सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। COPD जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, और अस्थमा जिसे दमा के नाम से लोग जानते हैं। और गाइस, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और कोई भी डॉक्टर आपको कैसे डायग्नोस कर देता है बिना किसी टेस्ट को किए, आपको कैसे वो बता देते हैं कि आप एक अस्थमा के मरीज़ हैं या फिर आप एक COPD के मरीज़ हैं। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन से कारण या वो कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण कोई भी डॉक्टर आपको बिना टेस्ट कराए आपको बता देगा कि आप एक अस्थमेटिक पेशेंट हैं या फिर आप एक COPD के पेशेंट हैं। एक्चुअली गाइस, इन दोनों डिजीज़ की जो साइनो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे ही हैं, चाहे वो खांसी का होना हो या फिर सांस का फूलना या फिर दिल की धड़कन का बढ़ना हो जिसे टैकीकार्डिया कहा जाता है, या फिर घबराहट का महसूस करना या फिर बेचैनी महसूस करना, या फिर SpO2 लेवल का कम हो जाना जिसे ऑक्सीजन लेवल बोलते हैं, या फिर पेशेंट का रेस्टलेस हो जाना। ये सभी साइनो सिम्टम्स इन दोनों बीमारियों में सिमिलरली मिलते हैं। तो कैसे हम जान सकते हैं कि हमें COPD हुआ है या फिर अस्थमा हुआ है? तो गाइस, इस टॉपिक पर हम फुल्ली डिटेल में बात करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपकी हिस्ट्री। देखा गया है कि 90% से ज़्यादा के पेशेंट जो COPD के होते हैं वो एक क्रोनिक स्मोकर होते हैं। COPD का कोई भी पेशेंट आप देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री में पाया जाएगा कि वो एक क्रोनिक स्मोकर थे, मतलब कि बीड़ी, सिगरेट या फिर हुक्का वो पीते थे। जबकि जो अस्थमा के पेशेंट की हिस्ट्री आप देखेंगे ना, तो उनकी हिस्ट्री में एलर्जी पाई जाएगी। अब चाहे वो एलर्जी राइनाइटिस की हो या फिर एक्जिमा की एलर्जी हो, किसी ना किसी प्रकार की कोई एलर्जी मिलेगी मिलेगी। लेकिन कई पेशेंट गाइस ऐसे भी होते हैं जो अस्थमा के पेशेंट होते ही हैं, साथ ही वो बीड़ी, सिगरेट या फिर हुक्का भी पीते हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा स्मोकर ऐसे हैं जिन्हें COPD डेवलप हो जाता है। और गाइस, जो दूसरा फैक्टर है वो है एज का फैक्टर। COPD के जितने पेशेंट होते हैं ना, वो 40 इयर्स के अराउंड के होते हैं, मतलब कि 40 साल से ज़्यादा या 40 साल के अराउंड की जिनकी एज होती है उनको COPD डेवलप होता है। लेकिन अस्थमा किसी भी उम्र में हो जाता है, खासकर बचपन में अस्थमा सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। और गाइस, जो तीसरा फैक्टर है वो है कफ का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना, साथ ही स्पूटम का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होना। जो COPD के पेशेंट है ना, उनको बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, साथ ही बहुत ज़्यादा खांसी आती है। 24 घंटे उनको बलगम भी आएगा, साथ में खांसी भी आती है। लेकिन जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें कभी कभी बीच बीच में खांसी उठती है और बलगम बहुत ही कम मात्रा में आता है। तो गाइज, ये भी एक फैक्टर है जिसके आधार पर डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप COPD या फिर अस्थमा के मरीज हैं। और गाइज, जो चौथा फैक्टर है वो है आपकी ब्लड की CBC रिपोर्ट। अगर आपके CBC की रिपोर्ट के अंदर इओसिनोफिल्स जो सेल हैं एक प्रकार के, वो ज़्यादा बड़े होते हैं, तब आपको अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं COPD के जो पेशेंट होते हैं उनकी ब्लड की CBC रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए होते हैं। और गाइस, जो पांचवा कारण है वो है क्लाइमेट का इफ़ेक्ट करना, मतलब कि जब भी मौसम चेंज होगा या फिर हवा में नमी ज़्यादा होगी, तब अस्थमा के जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जबकि COPD के पेशेंट हैं उनमें ऐसा नहीं होता। जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको रात में बेचैनी ज़्यादा हो जाती है, उनका सांस भी फूलता है, साथ ही घबराहट बेचैनी महसूस होती है। लेकिन COPD के केस में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो गाइज, ये कुछ फैक्टर थे जिनके आधार पर कोई भी डॉक्टर आपको डायग्नोस कर देगा कि आप COPD के पेशेंट हैं या फिर आप अस्थमा के पेशेंट हैं। हालांकि अगर आप कोई कंफर्मेटरी टेस्ट करवाना ही चाहते हैं तो आप अपनी चेस्ट का
एक्सरे करवा सकते हैं, जिनके आधार पर कोई भी क्वालिफाइड फिजिशियन आपको बता देगा कि आपको सीओपीडी की दिक्कत है या फिर आपको अस्थमा की दिक्कत है। साथ ही अगर आप अलग से कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मतलब कि PFT करवा सकते हैं, जिसमें स्पायरोमीट्री काफ़ी फेमस है और इसके आधार पर आपको डायग्नोस कर दिया जाएगा कि आपको सीओपीडी की दिक्कत है या फिर आपको अस्थमा की दिक्कत है। तो गाइज, आज की हमारी वीडियो थी अस्थमा और सीओपीडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कोई भी डॉक्टर आपको डायग्नोस कर देता है कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको सीओपीडी है या फिर आपको अस्थमा है। और आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए यूजफुल होगी। तो गाइज, ऐसी ही यूजफुल वीडियोस और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही गाइज, किसी बात की क्वेश्चनिंग अगर आपने हमें करनी है तो आप हमें कॉमेंट करके कर सकते हैं, हम फटाफट हर कॉमेंट का आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ ही किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।